तेरे ना मारे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ जी सब देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं जुनैर अशरफ। कल जी वीडियो डाली थी, कुछ जानवरों को मसला आया था, ये एक वायरल डिजीज़ जिसमें हमने डायग्नोज या थोड़ा सा करवाया था, डायग्नोज शिनाख्त करवाई थी। उसमें ये था कि या तो FMD है या एक ORF आई थिंक डिजीज़ है, मुँह सड़ी की शायद। तो ये है जी जानवरों को, तो उस सूरत में हमने कल की वीडियो डाली थी और इनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज़ किए थे। तो अब उसके कुछ रिजल्ट्स दिखाने हैं जी कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा। एक तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, उसके अलावा एक दो हमने देसी टोटके शेर यूज़ किए हैं, लेकिन वो कल मैं अपनी वीडियो में आपके साथ, बस वो वीडियो ऐसे फ्लो में बनी, जो मेडिकेशन थी लेके आया था वो दिखाई, तो वो शेयर नहीं कर सका। इंशाल्लाह वो बताएँगे। तो अभी जानवरों की पहले आपको ना सिचुएशन दिखाते हैं, कैसे हैं, क्या चल रहा है, कोई फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा है। खड़ा कर रहे हैं, कर दे कर दे खड़ा, कुछ भी नहीं है, तोप सेक रहे। हाँ तो पानी भी तोप सेक रहे, खड़ा कर दे, बिल्कुल सही है इंशाल्लाह। खड़ा कर रहा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, अच्छा खासा है। बस अब कमजोरी हो गई है ना, तो पानी अंदर आ गया, कोई नहीं, अल्लाह करे हम कर लेंगे, तो पानी सही। आया चलो, ये कट देंगे कोई नहीं है, ये नहीं पक्की बांधती है यार। मैं जो भी आपको जानवर दिखाते हैं जिनको कल एंटीबायोटिक यूज़ किया था, तो दो एक जानवर मज़ीद ऐड हुए हैं उनमें, उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन जो कल वाले इंशाल्लाह वो आपको दिखाते हैं जी। आइए अभी चलो बाबा जी, आओ पट दिखा गया बेबी जी, ये देख लें जी। कल ये जानवर आवाज़ें निकाल रहे थे बैठ के, लेकिन आज देख लें जुगाली कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी पार्ट दिखा, इसकी सिचुएशन कल बड़ी क्रिटिकल सी थी, लेकिन इसमें भी काफ़ी फ़र्क है। अच्छा ओ चंद दिखा के आ, ये बच्चा देख लें, चलो खड़ा हो, चलो ये देख, पहले से काफ़ी बेहतर है जी। और जो न्यू आ जाए मोटा बच्चे ले आ जड़े, आज तुम कल छे उनको, आज इशू बने हैं जी। इशू इनको सिर्फ स्टार्ट है, बिल्कुल टेम्परेचर हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, इन्हें की मसला आया जी, इन्हें जी है बुखार, तो बुखार तो बाद हो जाता, मुंह पक जाता, मुंह पक जाता। इस बच्चे का हुन मुंह पक गया है कि हजे सिर्फ बुखार नहीं, है? नहीं, फिलहाल इन्हें बुखार है, एक दो दिन बुखार रहेगा, तो ठीक है दवाई होगी, तो बाद मुंह फौरन पकेगा, ऐसा कि मुंह जो पानी बगना शुरू हो जाए। कल जी ये जानवर आपको दिखाया था, ये पट ये दिखाई थी जी कल, इसका इसकी इनिशियल स्टेज थी, इसके मुंह में दाने नहीं बने थे। अमूमन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब जानवर को ये बुखार आता है उसके बाद उसका मुंह पक जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक रिकवरी नज़र आई है, मज़ीद आगे नहीं बढ़ी ये चीज़। उसके अलावा ये कल पट काफ़ी टफ थी, इसकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी। ये देखें कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जी, इसकी ये जो आईज़ है ना, इनमें से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था, इसका मुंह बहुत ज़्यादा ख़राब था। आज की ये देख लें सिचुएशन, ये जो वाइट किस्म का मांस सा उतर रहा है, ये सारा यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये रिकवरी फेज़ में जा चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पेट भर के खाना भी किसी हद तक स्टार्ट कर दी है। उसके अलावा जी कुछ हमने टोटके बढ़ा, कुछ टोटके किए हैं देसी किस्म के, वो भाई से पूछ लेते हैं। दसो जी तुम इन्हों हल्दी वगैरह किदा इस्तेमाल करवाइए? वो जी इस तरह के बुखार से ना जी, तो बुखार तो जिते देसी नुस्खा असी जड़ी होंगी है ब्रूफन ते सेप्ट्रोन, सही है, पैनाडोल करके, ब्रूफन ते पैनाडोल ओ पी के ते दूध विच पा के ओ जाने के इन्हां नु पिया के ना गोली, एक ब्रूफन ते सेप्ट्रोन ये इन्हां नु पियांदे रहे हैं कल्ले कल्ले नु, सही है, ते पिया के अंदर विच टक दित्ता, ते सुबह जाने के इन्हां कियां दे ने बुखार जिहड़ा इन्हां दा कुछ फर्क सी, सही है। हां जी, हल्दी वगैरह तुसीं किदां यूज़ कीती? जाने के जदों पता लगन लग गया ना बुखार तो बाद मुंह पकन लग गया, हल्दी
ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾ ਲਈ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇਲ ਤੇ ਹਲਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਅੱਥੋਂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਸਰਿੰਜਾਂ ਜਾਨਕ 20 ਐਮ ਐਲ ਪਿਆ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ असल में जी हल्दी बेसिकली एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का काम किया है इसने। और जो साथ दूध दो चकी डाल रहे थे सेप्ट्रोन ते और ब्रूफन ते दूध में जो ब्रूफन सेप्ट्रोन पेनाडोल पेनाडोल ब्रूफन ते पेनाडोल ब्रूफन और पेनाडोल जी ये दूध में डाल के पर जानवर नु कितना कितना दूध पिलाया तुसी ओ जी इस तरह वे के अहीं गोलियां पी लेने हां पी के ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੋ ਪੀਣੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ 20 ਕੈਮਲ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਜੀ ਹਲਦੀ ਔਰ ਜੋ ਯਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਆਇਲ ਯਾ ਮੱਖਣ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਲਗਾਏ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਬ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਾਨਵਰ ਮੋਟੇਵਰਾ ये पठ देखी होगी कल आपने वीडियो में इसके नाक में से आंखों में से मुंह में से पानी बह रहा था इतनी इसकी बुरी हालत थी अल्हम्दुलिल्लाह आज देख रहे हैं ये कल वाले जानवर प्रॉपर चारा खा रहे हैं इधर वो सामने कल वाले खड़े हैं ये इनमें से तीन कल वाले बैठे हैं ये दो न्यू आए हैं इनको हल्का सा बुखार उसके अलावा कुछ नहीं है ये एक बच्चा है अभी जो रिकवरी फेज में नहीं आया लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है जी ले आओ जी इसका थोड़ा सा अभी जी दूसरों के लिहाज से काम थोड़ा खराब है गले का मसला और नंग दी नहीं कुछ ज्यादा पक्का है मुंह लेकिन इसकी पॉजिटिव प्लस पॉइंट ये है जी कि ये डाउन नहीं गया एक जगह पे मेंटेन है अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिकवरी फेस में जल्द आ जाएगा दिखाएंगे जी आपको ओ पट लेके ये भी कल दिखाई थी ये भी काफी कल जी अच्छा आज माशाल्लाह भाग रही है बिल्कुल फिट इंशाल्लाह जी दिखाएंगे आपको बाकी इनके वो जी आज घर लेके जाना है तकरीबन कोई 10-11 जानवर और जितने भी हैं ये घर चले जाएंगे इंशाल्लाह फिर वहाँ इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर की जाएगी अलग से इंशाल्लाह उसका मेन पर्पज़ यही है जी इनके थ्रू दूसरे जानवरों में कोई बीमारी ना जाए अब सही है और उसके अलावा जी घर जाके इनकी केयर अच्छी की जा सके नहीं है जो लगी ना दवाई इंशाल्लाह हम मुंह नरम करेंगे इनका सही है जी बाकी इंशाल्लाह जब इनको घर लेके जाएंगे तब दिखाएंगे जी पहले ला दो बड़ियां ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਦ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੂੰ ਆ ਖੱਟਾ ਜਾ ਆ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂ ਨੀ ਲੈ ਲੈ ਜਾ ਹਣ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਾ ਬਰੇ ਜੰਦੀ ਅਦਰ ਕਾਲੀ ਪਾਠ ਹੋ ਰੇਸ਼ਮਾ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਚਲੋ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਐ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੂੰਹ ਬੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਓ ਤੇਰੀ ਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪੱਟੀ ਪੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈਆ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਆ ਨੀਗਾ ਨੀਗਾ ਪੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ काले बकरे का वेखी पक्का टीके जी उसे चल जाने फिर सुबह टीके कितो ले सत सत सौ टीके ले आ ਐਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੂਹ ਪੱਕਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਧਰ ਵੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਪੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਲੈ ਜਾ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਓਏ ਆਪਾਂ ਐ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਜੋ ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਕੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏ ਜੀ ਰੋਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਲੈ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕਾ
सत्तर आली पोल को चार किले नरमा और मैनू सुभा बंदा आके गया।